खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के रायबरेली जनपद के कोतवाली लालगंज की ग्राम पंचायत लालूमऊ में शाम एसडीएम लालगंज विजय कुमार, सीओ महिपाल पाठक, तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह और कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह के साथ क्षेत्रीय लेखापाल कानूनगो के साथ पूर्व सैनिक के घर पहुंचे और उनके मकान में ताला लगा दिया। इस संबंध में 87 वर्षीय पूर्व सैनिक सेवर्ष ने बताया कि उनका पड़ोस के ही रहने वाले समर बहादुर से पुरानी जमीनी विवाद चल रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जमीन पर एसडीएम लालगंज हितबद होकर समर बहादुर सिंह को जमीन दिलाना चाहते हैं, जिसे मना करने पर चोरी से पुलिस से साठगांठ कर 2 महीने पहले आदेश भी पारित कर दिया। मामले में पीड़ित ने बताया कि एसडीएम के आदेश के विरुद्ध जिला जज न्यायालय रायबरेली में रिवीजन किया गया, जिस पर जिला जज ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट से पत्रावली तलब कर दी। इसकी सुनवाई भी हुई है, पर जिला जज न्यायालय में चल रहे मुकदमों को धता बताते हुए एसडीएम लालगंज ने बिना किसी पूर्व सूचना के आवासीय घर में गैर कानूनी ढंग से विवादित भूमि के साथ ताला जड़ दिया, जिससे कि अब उनके घर का सारा सामान एवं घर में पल रहे 20 जानवरों का भूसा भी बंद हो गया है और अब परिवार के साथ जानवर भी भूखे मरने की कगार पर हैं। रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। मामला सर ये था कि यहाँ पहले की आबादी और जो भूमि घरी की जमीन थी उसमें दोनों पक्षों से झगड़ा चल रहा था, तो कोतवाली वहाँ तहसील थाने रायबरेली कोर्ट से हमारा जो फैसला चल रहा है वहाँ पर मुकदमा चल रहा है तो उसका ये लोग जो है उल्लंघन कर रहे हैं, कोई माने नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कागज़ भी है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमारे घर में कोई जेंट्स न कोई बुजुर्ग ना कोई बच्चा कोई जेंट्स नहीं थे घर में, और जो है अधिकारी फोर्स आई तहसील से और कोतवाली से, वहाँ से कोतवाल साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब सब लोग आए, बोले कि निकलो घर से, अपने घर वालों को बुलाओ। तो हम लोगों ने कहा कि अचानक आप आ गए, हमारे घर में कोई है नहीं, घर में सब लोग बाहर रहते हैं जो है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए आप जो है अपने जानवर निकालिए बाहर, अपना सामान निकालिए, हम ताला बंद करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि सर हमारे घर में कोई है नहीं, हम कहाँ से निकालेंगे, गाड़ी की चाबी है नहीं, अचानक आप ऐसे मांगने लगे हैं। तो बोले कि जब वहाँ पर विवाद चल रहा है तो उसमें ना आप बंद करेंगे ना वो बंद करेंगे, हमारे दूसरे वाली ज़मीन में जो है वहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ, सारा सामान अंदर है, और वो खुद आए ज़बरदस्ती करके जानवर खींच के निकालने लगे और ताला बंद करके चले गए हैं। अब हमारे जानवर खाएंगे क्या? और जिससे कि यहाँ कोतवाल साहब और तहसीलदार साहब अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि हम खुद नहीं बता सकते हैं, बदतमीज़ है और ये पता नहीं क्या क्या बोले, उल्टा सीधा बोले, हम खुद नहीं आप बयां कर सकते हैं कि उन्होंने कहा क्या। डायरेक्ट हमसे उन्होंने कहा, बोले कि ज़्यादा तुम बोलोगे तुम्हारे नाम मुकदमा डाल देंगे, ऐसा वैसा खूब डरवा के ज़बरदस्ती धमकी देकर गए हैं, बोले तुम लोग जेल चले जाओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन्हीं का पक्ष जो हमारे विवादित पक्ष है उन्हीं का सपोर्ट कर रहा है, हम लोग अपनी बात बोलने के लिए चलते हैं तो हट भट करके अंदर कर देते हैं, बोले तुम लोग भगो यहाँ से, ये उल्टा सीधा तरीका और लैंग्वेज अपनाते हैं।